हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे मीठी मट्ठी। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप गुड़, और इसको हम थोड़े से पानी में भिगो के रख देंगे। बस इतना पानी काफ़ी है। जब इसमें घुल जाएगा, ये इसमें घुल जाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो गुड़ है ये पिघल गया है सारा का सारा। तो अब हमने ये गुड़ लिया था मैंने 1 कप, और यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिया है आटा, नॉर्मल गेहूं का आटा है। हम इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारियल, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। और हम थोड़ी सी डालेंगे इसमें सौंफ, इस तरह से 2 चम्मच सौंफ डाल लीजिए। और हम इसमें डालेंगे घी मौन के लिए, इसमें 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे। ये मेरा आधा स्पून है, हाफ स्पून का स्पून है, इसलिए मैं ये 4 डाल रही हूँ। तो मौन के लिए हमने ये डाल लिया। तो अब हम पहले इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हमने मिक्स कर लिया है सब चीजों को। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालते हुए एक हार्ड सा टाइट सा डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे गुड़ वाला, और इसमें हम इसको घोलते जाएंगे, एक टाइट सा डो बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डो एकदम रेडी हो गया है, और इसमें पूरे 2 कप में 1 कप पानी 1 कप गुड़ लगा है पूरा, और ये तैयार हो गया है मेरा डो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, और यहाँ पे हम इसके बना लेते हैं छोटी छोटी लोइए। इस तरह से हम लेंगे और छोटे छोटे, और इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। आप इसमें कोई भी डिजाइन दे दीजिए। हम इसमें छोटी छोटी सी मठियां बनाएंगे, तो इसलिए मैंने ये वाला साइज लिया है कि छोटी छोटी बनेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑयल जो है गर्म हो गया है, मैंने इसको कर लिया मीडियम फ्लेम पे, और हम इसमें इसको डालते जाएंगे। हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाएंगे, क्योंकि गुड़ है, गुड़ ऑलरेडी ब्राउन होता है तो ऐसा लगेगा कि जल रही है, पर हमें इसको अंदर तक पकाना है, तो इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो मैंने इस तरह से डाल दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके साइड जो है वो ब्राउन हो रही है, तो हम इसकी इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इनका। तो हम इनको सबको उलट लेते हैं, दोनों साइड से पकाएंगे। बहुत ही यम्मी बनती है, आप भी बनाना, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। इस मौसम में वैसे ही खाने का मजा आता है इसको। यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, मैं इसमें 2 टिक्कियां और डाल देती हूँ इस तरह से। ये सब मीडियम फ्लेम पे ही हो रहा है, मैंने इसमें कोई हाई नहीं किया फ्लेम। तो फ्रेंड्स, हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं जो रेडी हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये खस्ता सी मट्ठी बनके एकदम रेडी हो गई है। देखिए अंदर से भी पूरी तरह से पक गई है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी जरूर बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।